स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा हमेशा ही अपने नए नए ट्विस्ट की वजह से दर्शकों का फेवरेट बना रहता है और आए दिन हमेशा इसमें कोई ना कोई नया एपिसोड देखने को मिलता है। ऐसे ही फिर एक बार सीरियल में नया ट्विस्ट आ चुका है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जिसमें अनुपमा वनराज के खिलाफ बयान देते हुए नजर आने वाली है। तो आइए जानते हैं इसी ट्विस्ट के बारे में। अनुपमा सीरियल में हमेशा ही हमें नए नए ट्विस्ट देखने को मिलते रहते हैं और इन्हीं ट्विस्ट की वजह से सीरियल देखने में और भी ज्यादा मजा आता है, जिसकी वजह से सीरियल की पूरी कहानी ही पलट जाती है। और अब फिर एक बार सीरियल की कहानी पूरी तरह बदलने वाली है, जहां अब काव्या अनुपमा पर भड़की हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, बीते समय आपने देखा कि अनुज और वनराज की आपस में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और दूसरी तरफ अनुज की भाभी यानी बरखा वनराज की कार का ब्रेक फेल कर देती है, जिसके चलते अनुज और वनराज का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका सारा नाम वनराज पर ही आ जाता है, जहां उनकी जान को काफी ज्यादा खतरा होता है। और उसी दौरान पुलिस अनुपमा का बयान लेने हॉस्पिटल आती है, जहां अनुपमा वनराज के खिलाफ बयान देती है कि अनुज की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ वनराज की वजह से ही है, क्योंकि वनराज ही अनुज को लेकर गए थे और वहीं इनको मारने की भी कोशिश की। जिसके बाद काव्या अनुपमा को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाती है, क्योंकि अब काव्या अनुपमा को काफी ज्यादा मानने लगी है और हमेशा उसकी बातों में उसका साथ देती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। काव्या ने अनुपमा को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई, क्योंकि इस समय वनराज और अनुज दोनों ही खतरे में हैं। और काव्या का कहना था कि अगर तुम्हारा अनुज खतरे में है तो वहीं वनराज की भी हालत ठीक नहीं है, और तुमने इस तरह से बयान कैसे दिया। जहां अब आप देखेंगे कि वनराज को होश आ जाता है तो वहीं अनुज कोमा में चला जाता है। वेल, अब देखना ये होगा कि अनुपमा का इस पर क्या रिएक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, आप अनुपमा सीरियल के आने वाले इस एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।